हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आ गए हम जयपुर, राजस्थान की राजधानी। और दोस्तों जयपुर में बड़ा हॉस्पिटल एस हॉस्पिटल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। दोस्तों हॉस्पिटल के जस्ट सामने सूर्य हॉस्पिटल भी है। दोस्तों इसमें कुछ डॉक्टर बैठते हैं, प्राइवेट देखते हैं जो एस एम एस के हैं। दोस्तों तो ये कचड़े की गाड़ी से हॉस्पिटल से निकली है। दोस्तों इस हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे आज हम इस वीडियो में, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को लास्ट एंड तक। दोस्तों एक नंबर गेट है। दोस्तों ये एसएमएस हॉस्पिटल का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के नाम से है। दोस्तों ये मेन फ्रंट है। दोस्तों मेन फ्रंट पर दो स्टेच लगे हुए हैं। दोस्तों इस हॉस्पिटल को कई ब्लॉकों में बांटा गया है, जैसे कि धनमंत्री हो गया, ओपीडी है। दोस्तों इसमें जाँच वगैरह होती हैं। दोस्तों ट्रॉमा वार्ड है, जो एक्सीडेंट केस लिए जाते हैं। दोस्तों बांगड़ परिसर है, जो एमआरआई जांच सीटी स्कैन होती हैं। दोस्तों चरक भवन है, यहाँ चमड़ी के रोग वगैरह दिखाए जाते हैं। दोस्तों ये जेके लोन है। दोस्तों तो इसमें बच्चों का इलाज किया जाता है। तो फ्रेंड हम प्रवेश करेंगे दो नंबर गेट से हम प्रवेश करेंगे। दोस्तों इसके टोटल गेट हैं 8। दोस्तों तो 8 गेट से, दोस्तों तो एक गेट आपको होता है तो 8 नंबर का उससे कचड़ा बाहर निकलता है। दोस्तों 7 गेट यूज होते हैं। दोस्तों तो 4 नंबर का जो गेट है वो ए है प्लस बी है। दोस्तों जो धनमंत्री के जस्ट सामने है। दोस्तों तो हॉस्पिटल में जाने से पहले धनमंत्री के 4 नंबर गेट से पर्ची बनती हैं। दोस्तों और एक बात आपको बता दूँ कि 2 नंबर गेट पर एमरजेंसी है, जो मरीज ज़्यादा गंभीर हालत होते हैं तो 2 नंबर गेट से भर्ती कराएँ एमरजेंसी में। दोस्तों ट्रॉमा वार्ड के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड जो अभी कार गई है वो ट्रॉमा वार्ड के लिए है, जो सड़क के नीचे रोके अंडरग्राउंड रोके गई है। दोस्तों तो हम इस हॉस्पिटल में यहाँ से प्रवेश करेंगे 2 नंबर गेट से। दोस्तों ये एमरजेंसी का मेन गेट है। दोस्तों अपने पेशेंट को यहाँ से भर्ती करा सकते हैं बहुत ही जल्द एमरजेंसी। दोस्तों चलते हैं अब हॉस्पिटल के अंदर। तो फ्रेंड काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ काफ़ी अच्छा इलाज भी बताया है। दोस्तों जैसे कैंसर का इलाज, सर्जिकल, दोस्तों हार्ट के और किडनी, बाल सबका इलाज होता है। दोस्तों काफ़ी बड़ा इलाज है। दोस्तों और दोस्तों काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। दोस्तों जो मरीज के साथ पहली बार कोई जाता है परिजन, तो दोस्तों पहली बार में कुछ उसको समझ नहीं बैठता है। दोस्तों तो उस वीडियो में देखेंगे तो उसको कुछ ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा, यानी कि कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ गार्ड लगे हैं और ये चेक करते हैं कि कोई गुटखा खा के या गुटखा जेब में रख के तो नहीं ले जाता। दोस्तों जो पकड़ में आते हैं तो उन पर 500 रुपया जुर्माना लगा देते हैं और गुटखों को तंबाकू को निकलवा के यहाँ रखवा लेते हैं अपने पास। दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों तो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए। दोस्तों वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो बनाए तो आपके मोबाइल पर सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड चलते हैं लिफ्ट से। ये 3 नंबर लिफ्ट है। नंबर 2 से अंदर जाएंगे तो शुरू में 3 नंबर लिफ्ट पड़ेगी। यहाँ से चलते हैं। दोस्तों हमारा पेशेंट भर्ती है सर्जिकल, एनकोलॉजी सर्जिकल में, जो कि कैंसर का पेशेंट है। दोस्तों चलते हैं ऊपर। हमने 3 दबाया है, हमने थर्ड फ्लोर पर जाना है। भाई ने पहले 2 नंबर बताया था, उसको सेकंड फ्लोर पर जाना है। दोस्तों इस लिफ्ट में जो लिफ्ट को हैंड ओवर करते हैं उनके नाम नंबर लिखे होते हैं। दोस्तों लिफ्ट में कोई अचानक से गड़बड़ी आ जाती है, रुक जाती है दोस्तों, तो अंदर से आप इन नंबरों का कॉल करके आप बता सकते हैं, लिफ्ट की जानकारी दे सकते हैं कि इस नंबर की लिफ्ट में हम अंदर हैं। तो वो लिफ्ट संचालक होते हैं तो वो लिफ्ट को आपको सही करके बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसलिए नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं। दोस्तों सेकंड फ्लोर आ गया है, सेकंड फ्लोर वाले सेकंड फ्लोर पर निकल गए हैं। तो फ्रेंड हम थर्ड फ्लोर पर निकलेंगे। तो फ्रेंड अब जो इसमें
काफ़ी सारे डॉक्टर हैं। और दोस्तों इसमें खास बात है ये साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी कर्मचारी भी हैं, काफ़ी गार्ड भी हैं और दोस्तों काफ़ी इसमें रूम भी हैं दोस्तों। देखे हम आए थर्ड फ्लोर पर दोस्तों, ये मरीजों के साथ आते हैं परिजन दोस्तों, एक मरीज के साथ एक पेशेंट के साथ एक ही परिजन अंदर जाता है वार्ड में, वही देखभाल करता है दोस्तों। बाकी के परिजन जो बाहर रहते हैं दोस्तों, बाहर आराम करते हैं, जो बरंडा गैलरी में बोलते हैं वहाँ दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने पेशेंट के पास दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सफाई से है यहाँ पर दोस्तों। तो ये हमारे पेशेंट का वार्ड है, जो हमारा पेशेंट का बेड है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई परेशानी हो तो कमेंट करें।